फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक करेंगे हेसे डायग्राम, कि हेसे डायग्राम कैसे बनाते हैं। लास्ट टाइम हमने किया था डायग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं हम, किसी के लिए भी डायग्राफ या फिर डायरेक्टेड ग्राफ उसी को बोलते हैं। आज हम करेंगे कोई भी डायरेक्टेड ग्राफ दे रखा हो तो उससे हेसे डायग्राम कैसे। डायग्राफ जो है वो अलग चीज़ है, हेसे डायग्राम अलग चीज़ है। अगर आपको डायग्राफ बनाना आता है तब आप हेसे डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज़ सीखेंगे आज हम। ओके, तो देखते हैं। लेट ए बी अ फाइनाइट सेट। अगर ए कोई भी एक फाइनाइट सेट है तो ऊपर हमने एक थ्योरम की थी कि डायग्राफ ऑफ अ पार्शियल ऑर्डर हैज़ नो साइकिल्स ऑफ लेंथ ग्रेटर देन वन। कि डायग्राफ में एक से ज़्यादा, एक से बड़ी लेंथ की कोई साइकिल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो डायग्राफ ऑफ अ पार्शियल ऑर्डर ऑन ए हैज़ ओनली साइकिल्स ऑफ लेंथ वन। एक से ज़्यादा की तो कोई साइकिल होगी नहीं, तो वन लेंथ की ही होंगी। तो डायग्राफ शोन इन फर्स्ट फिगर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेकंड फिगर। अब फर्स्ट फिगर ये है और सेकंड फिगर लास्ट में बताती हूँ मैं उधर भी, ठीक है। लेट इट बी, ये देखो वी कोई सेट है ए बी सी, और इस वी सेट के लिए एक रिलेशन है ए ए ए बी 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 सी सी बी सी एंड ए सी। ये चीज़ें आप इससे ये बना सकते हो। ये कल मैंने डायरेक्टेड ग्राफ में आपको बता दिया था, ए बी सी तीन पॉइंट बनाए, ए से ए पे लूप, ए से बी की तरफ एरो, बी से बी पे लूप, देन सी से सी पे, बी से सी की तरफ और ए से सी की तरफ, ठीक है। ये है डायरेक्टेड ग्राफ या डायग्राफ, ठीक है, ये डायग्राफ है। अब आपको डायग्राफ से बनाना है हेसे डायग्राम। कैसे बनाएंगे? सबसे पहला स्टेप जो सेल्फ लूप फ्री करना है, जो भी डायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है अगर उसमें कोई भी सेल्फ लूप है तो उसको हटा दो। देखो ये तीन है, इन तीनों पे चेक करना कोई सेल्फ लूप है। सेल्फ लूप मतलब अपने आप से ही अपने आप पे पॉइंट हो जाए एरो। ओके, तो ए से ए पे, बी से बी पे और सी से सी पे, तीनों जगह है सेल्फ लूप। ज़रूरी नहीं है हमेशा तीनों पे हो, लेकिन इसमें है। अब तीनों पे लूप है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, उसे सेल्फ लूप फ्री कर दो। अपने आप पे जो सेल्फ पे जो भी लूप है उसे हटा दो, हटा दीजिए। ओके, अब चलते हैं सेकंड स्टेप। तीन स्टेप होते हैं ऐसे डायग्राम बनाने के। फर्स्ट स्टेप कर लिया, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है, यहाँ तक पहुँच गए थे, इसमें से हटाना है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी आपको पता है, ए बी है बी सी है तो ए सी भी होगा। ये चीज़ तो ए बी है और बी सी है, ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ए इज़ रिलेटेड टू सी। ये हम ट्रांजिटिविटी पढ़ते थे, तो ट्रांजिटिविटी हटानी है। मतलब ए बी से रिलेटेड मिल जाए, बी सी से रिलेटेड मिल जाए, तो ए सी से रिलेटेड हो उसे हटा दो। देखें ऐसा कुछ कौन सा है, ऊपर देख के भी पता चल रहा होगा। देखो यहाँ से देखो, ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, ये एरो बताती है। ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से और ए रिलेटेड है सी से, तो ये ट्रांजिटिविटी होगी, ठीक है। अगर सी रिलेटेड टू ए आ जाए तो कोई ट्रांजिटिविटी नहीं है। ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, इसलिए ए सी से भी रिलेटेड है, तो ये ट्रांजिटिविटी है, इसे हटा दो, हटा दिए। लास्ट एंड फाइनल स्टेप होता है ऐसे डायग्राम का, एरोज रिमूव करना। अब एरोज तो रिमूव करनी है, लेकिन ऐसे करनी है कि हमें देख के पता चल जाए कि ये जो एरोज हैं वो कहाँ से कहाँ जा रही हैं। तो कैसे करने होते हैं, ड्रॉ द डायग्राफ ऑफ अ पार्शियल ऑर्डर विद ऑल द एजेस पॉइंटिंग अपवर्ड। अपवर्ड करना, ओमिट द एरोज एंड रिप्लेस सर्कल बाय डॉट्स। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ए से बी पे जा रहे हैं और बी से सी पे जा रही है, तो ये करो ए से बी पे जा रही है और बी से सी पे जा रही है, तो उनको अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया एरो को, जैसे उनका जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ हो जाए। और देन फाइनली वो जो पॉइंट है, वो जो एरो थी, उनको हटा दिया गया और जितने भी ये सर्कल्स थे उन सर्कल्स को डॉट बना देते हैं। ओके, जो डायग्राफ था उसमें सर्कल्स होते थे और हेसे डायग्राम में डॉट्स होते हैं। तो ये है,
अगर मैं पूछूं इसका हेसे डायग्राम क्या बनाया हमने इस डायग्राफ का, तो ये है हेसे डायग्राम। ओके, तो इतना है हेसे डायग्राम के लिए। अभी आगे चलते हैं। वेट, द डायग्राम ऑफ अ पार्शियल ऑर्डर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स डायग्राफ बाय ओमिटिंग द साइकिल्स ऑफ लेंथ, डेफिनेशन है ये, लेंथ वन एंड ट्रांसिटिविटी एंड एरोज आफ्टर अरेंजिंग देम पॉइंटिंग अपवर्ड इज कॉल्ड डायग्राम, हेसे डायग्राम। कि एक ऐसा डायग्राम जो डायग्राफ से मिलता है और ये तीन स्टेप्स करने पे, कि वन साइकिल की लेंथ ओमिट करना है, ट्रांजिटिविटी हटानी है और एरोज हटानी है। एरोज कब हटानी है, उनको अरेंज करने के बाद। कैसे अरेंज, क्योंकि एरोज ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएं सारी एरोज। ओके, एक एग्जांपल देखें करके। अब जैसे पीछे हमने एग्जांपल किया था कि डायग्राफ से हेसे डायग्राम बनाया था, अब क्वेश्चन है कि आपको हेसे डायग्राम दे रखा, देख के पता चल रहा है ये एक हेसे डायग्राम है, इसमें पॉइंट हैं, एरो नहीं है कहीं भी, सर्कल नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो ये एक आपको हेसे डायग्राम दे रखा है, और इस हेसे डायग्राम से हमें क्या करना है, इस हेसे डायग्राम से हमें इसका डायग्राफ बनाना है या डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है। तो क्या करो, जो तीन चीज़ें हटाने के लिए कही थी वो तीन चीज़ें वापस लगा दो तो बन जाएगा। ओके, तो देखो क्या है ऐसे। तो सबसे पहले तो इसमें एरो लगा दी पॉइंटिंग अपवर्ड की तरफ, एरो कर दी, उस एरो में से फिर ट्रांजिटिविटी लगा दो और उसके बाद साइकिल्स ऑफ लेंथ वन कर दो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सिंपल है, तो बिल्कुल, कि अगर आप यहाँ से देख रहे हो जैसे बी से डी की तरफ जा रहा है, डी से ई की तरफ जा रहा है, तो बी से डी की तरफ कर दो पॉइंट। यहाँ से देख लो ए से ई की तरफ जा रहा है, ई से एफ की तरफ जा रहा है, तो ए से एफ की तरफ कर दो। फिर यहाँ से देखोगे तो बी से ई की तरफ जा रहा है, ई से एफ की तरफ जा रहा है, तो बी से एफ की तरफ कर दो, ठीक है। ये एरोज लगानी है और उसके बाद साइकिल्स ऑफ लेंथ वन, इसमें देखना आप साइकिल्स ऑफ लेंथ वन होंगी या नहीं होंगी। ओके, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है किया हुआ इन्होंने, देखो यहाँ आप ज़रूरी नहीं है इसको ऐसे ही दिखाओ या ऐसे ही दिखाओ, अगर सर्कल में एरो लगा रखे तो वो भी वन लेंथ की साइकिल है, सेल्फ लूप है वो। ओके, नेक्स्ट है एक डेफिनेशन पार्टीशन की। पार्टीशन ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर m इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हूज सम इज m। पार्टीशन क्या बोलते हैं, मतलब उसको पार्ट्स में बांटना। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर m को हम इसका पार्टीशन कब कहेंगे, जब मान लो कोई m है, उस m को कितने भी पार्ट्स में बांटो पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है, कि उन सब का सम मिलाओ तो वापस यही बन जाए, ठीक है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमल मिनिमल निकालना और ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट निकालना, ये चार चीज़ें। कन्फ्यूज़न बहुत रहती है बच्चों को इस टॉपिक में, तो पहले सबसे पहले डेफिनेशन समझिए कि ए कोई भी पू सेट है, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, और रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है। ये रिलेशन आप रिलेटेड टू मान लेना, यहाँ लेस देन इक्वल्स टू भी नहीं कह रही मैं, कि हमेशा यही रहेगा, एक रिलेशन है। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, अगर कोई भी एलिमेंट है इस सेट का, उसे मैक्सिमल कब कहेंगे उस सेट का, इफ एंड ओनली इफ हर ए के हर एलिमेंट के लिए, या तो वो हर एलिमेंट जो है ए से रिलेटेड हो, या फिर वो दोनों के दोनों कंपेरेबल ना हो, ठीक है। दोबारा समझिए कि कोई एक ऐसा एलिमेंट ए का जिससे हर एलिमेंट रिलेटेड हो, अगर सेट का हर एलिमेंट उस ए से रिलेटेड है, या तो ये हो तो भी वो मैक्सिमल है, या फिर कि वो दोनों के दोनों कंपेरेबल ही नहीं, तो वो क्या कहलाएंगे, मैक्सिमल। और उसी मैक्सिमल में से कोई एक एलिमेंट बनता है ग्रेटेस्ट एलिमेंट, वो कब होता है, कंपेरेबल का केस छोड़ दो, कि अगर ऐसा हो इन दोनों में से कोई भी एक काम हो जाए तो वो मैक्सिमल है, लेकिन अगर ये है, सिर्फ ये है, यही होनी चाहिए कंडीशन, तो वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी है।
एक से ज़्यादा एलिमेंट मैक्सिमल हो सकते हैं, कि हो सकता है ये वाला हो जाए, ये वाला हो जाए, किसी में ये वाला हो गया, किसी में ये वाला हो गया, लेकिन ये वाला हो ऐसा एक ही बार होगा कि सारे के सारे एलिमेंट्स एक सेट के, एक ही सेट के, एक उस एलिमेंट से रिलेटेड है, हर एलिमेंट रिलेटेड है उससे, तो वो एलिमेंट ग्रेटेस्ट कहलाएगा। ऐसे ही मिनिमल के लिए देख लो, सेम वही चीज़ है कि अगर मैं कहूँ, सेम यहाँ तक तो यही लिखना है कि अभी मैंने कहा था कि या तो सेट ए का हर एलिमेंट उससे रिलेट हो जाए या वह कंपेरेबल ना हो तो मैक्सिमल। इसमें क्या है, सेट का हर एलिमेंट उस उस एलिमेंट को मिनिमल कहेंगे जब वो एलिमेंट सबसे रिलेटेड हो, फॉर ऑल बी है यहाँ, ठीक है, इसी की तरह। अगर सारे एलिमेंट्स उससे रिलेटेड हैं देन इट इज़ मैक्सिमल, अगर वो सबसे रिलेट कर रहा है देन इट इज़ मिनिमल, या फिर वो नॉन कंपेरेबल है, ठीक है। और अगर इसका यही केस लिया जाए जैसे उसमें लिया था, ये वाला इग्नोर किया जाए, हटा दिया जाए, तो वो अगर सिर्फ यही यही कंडीशन है तो वो लीस्ट एलिमेंट भी है। जैसे मैक्सिमल एलिमेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं ऐसे ही मिनिमल एलिमेंट भी ज़्यादा हो सकते हैं। ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है एक भी ना हो, बिल्कुल हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट हमेशा मैक्सिमम एक ही हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कभी नहीं होगा, हो सकता है एक भी ना हो लेकिन एक से ज़्यादा कभी नहीं होगा। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है हर ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है हमेशा मैक्सिमल होगा, लेकिन मैक्सिमल ग्रेटेस्ट कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। ऐसे ही लीस्ट एलिमेंट हमेशा मिनिमल होगा, मिनिमल लीस्ट एलिमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। एक और डेफिनेशन है, अगर कोई सेट कहे, अगर कोई पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, अभी अभी मैंने बताया है उसमें कितना एटमोस्ट एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो सकता है, एटमोस्ट एक लीस्ट एलिमेंट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, तो ये था मैक्सिमल और मिनिमल का। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया ना, फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं आएगा। ओके, देखो ए बी सी डी, अब आपको एरोज का पता ही है, अपवर्ड होती है ये, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, क्योंकि ये ऐसे डायग्राम है। अब आपको देख के पता चल रहा होगा मैक्सिमल एलिमेंट, ठीक है, तो मैक्सिमल एलिमेंट अभी अभी पढ़ के आए हैं, क्या होते हैं मैक्सिमल एलिमेंट, कि या तो वो कंपेरेबल ही ना हो या सेट का हर एलिमेंट उनसे रिलेटेड हो। तो सेट का हर एलिमेंट किससे रिलेटेड होगा, ये है मैक्सिमल, ये है मैक्सिमल, ये है ये नहीं है नीचे है, तो ये है मैक्सिमल, तो ये तीनों क्या हैं, मैक्सिमल एलिमेंट्स। मिनिमल की बात करें तो ये भी मिनिमल है, ये भी मिनिमल है, ये भी मिनिमल है, क्योंकि ये सबसे रिलेट कर रहे हैं। ओके, क्या मैक्सिमल तो पता चल गया, ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्या इनमें से पता चल रहा है ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए कि हर बी के लिए, मतलब कोई भी एक एलिमेंट है हर बी के लिए इस ए से रिलेट करे? नहीं है, क्योंकि इनका पता ही नहीं चल रहा कौन कैसे रिलेटेड है, कंपेरेबल ही नहीं है, नॉन कंपेरेबल थे ये तीनों के तीनों तो एक दूसरे से, तो ये मैक्सिमल तो हैं लेकिन ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है इनमें से कोई। ऐसे ही ये मिनिमल तो हैं, क्योंकि ये दोनों, इन तीनों को तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, कोई लाइन ही नहीं इनके बीच में कि पता ही नहीं चल रहा एरो कहाँ जा रही है, तो ना ही इसमें कोई भी लीस्ट होगा, ठीक है, तो ये नॉन कंपेरेबल है, तो कोई लाइन नहीं इनके बीच में, तो ना तो ऐसा पता चल रहा है कि कौन सा लीस्ट है और ना ही ग्रेटेस्ट पता चल रहा है। ओके, तो वही काम मैक्सिमल और मिनिमल में। अगर मैं ये क्वेश्चन दिखाऊँ तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर खुद निकालने की सोचना, ठीक है। एक एग्जांपल है इंटीजर, इंटीजर्स में कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होता, कोई लीस्ट एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है उसको यूनिट एलिमेंट कहा जाता है, उसको कई जगह आई से डिनोट कर रखा है और कई जगह वन से डिनोट कर रखा है। लीस्ट एलिमेंट को ज़ीरो एलिमेंट कहा जाता है, उसको ज़ीरो से नोटेशन किया जाता है। बहुत सारी बुक्स में ये वन है लेकिन कहीं कहीं आई भी है ये, ठीक है। ओके, तो आज मैक्सिमल और मिनिमल का ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, मुझे व्हाट्सएप पे या सॉरी इंस्टाग्राम पे या मुझे कमेंट सेक्शन में कहीं भी आप बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो फोटोज़ भेजते हैं मैं देखती ज़रूर हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप कर पाए हैं या नहीं, यही सेम आंसर आपके भी आए हैं या नहीं आए हैं। ओके,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और आस्क यूर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। आई विल शेयर माई UPI ID एंड माई इंस्टाग्राम ID इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइज़।